नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बता दें कि विधानसभा चुनाव का जो अंतिम परिणय होता है वो होता है मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण। आपको बता दें कि हमारे पीछे राजभवन है जहां पे मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कई बार वो मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, हालांकि इस बार उनके जो कैबिनेट है उसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी। आपको बता दें कि इस बार एक नहीं दो दो उप मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, इस बार सुशील कुमार मोदी जो थे वो इस बार डेप्यूटी सीएम बिहार के नहीं बनेंगे। हालांकि अभी जो पीछे राज्यपाल भवन है वहाँ पे केंद्र के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। इसमें बता दें कि अमित शाह पहुँचे हुए हैं, बिहार के जो प्रभारी थे बीजेपी के प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, और साथ ही साथ यहाँ पे जेपी नड्डा भी पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में अब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ कई मंत्री जो हैं वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सी विभाग मिलेगी। बाकी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष कुमार।